टीम इंडिया के सिक्सर किंग और अर्जुन पुरस्कार विजेता युवराज सिंह ने अमृतसर में सेंटर ऑफ एक्सलेंस क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया। इस दौरान युवराज के बाउंसर ने रिपोर्टर्स के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद खड़ा हो गया। मामला बिगड़ता देख ऑर्गेनाइजरों को बीच बचाव में आना पड़ा और युवराज अपने साथियों संग उठकर बाहर चले गए। आपको बता दें कि पत्रकारों से माफी मांगने के बाद मामला ठंडा हुआ और प्रोग्राम फिर से शुरू किया गया। इस दौरान युवराज ने पत्रकारों से बातचीत की और अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में जानकारी दी। युवराज ने कहा कि उन पर फिल्म बनाने की योजना पर काम हो रहा है। कैंसर की बीमारी के बारे में बात करते हुए युवराज ने कहा, मैंने काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और अब सेहतमंद हूं। उन्होंने कहा कि वो एक एनजीओ के साथ मिलकर कैंसर पीड़ितों की मदद के लिए भी काम कर रहे हैं। युवराज ने आगे कहा कि वो अभी तक 15 के करीब क्रिकेट एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सलेंस ट्रेनिंग सेंटर खोल चुके हैं। जहां पंजाब की बात है तो अमृतसर में बना ये पहला ट्रेनिंग सेंटर है जिसका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा आने वाले वक्त में कपूरथला और जालंधर में भी सेंटर खोले जाएंगे। नेक्स्ट एन स्पोर्ट्स से ऋतिक की रिपोर्ट।